यस, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ समझते हो? हाथ में रहने वाला रुमाल. तो अ स्क्वायर हैंडकरचीफ नाइन सर्कुलर, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ नाइन सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, सीन फिगर 12.29. सो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ. ये फिगर बनाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करता हूं. इज दिस बॉक्स लुक लाइक स्क्वायर? चलिए, तो इसमें मैं 9 सर्कल्स बनाऊंगा छोटे छोटे. वाह, ठीक ठीक है. सो दिस इज अ स्क्वायर हैंडकरचीफ ए बी सी डी इन विच 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. सोच के देखिए, ये होगा रेडियस ना 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी रेडियस 7 सेंटीमीटर का ही है और ये भी रेडियस. तो अगर ये पूरा रेडियस हुआ 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ? पूरा डायमीटर हो गया. यानी कि अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी को 7 लिख रहा हूं, 7 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, तो जाहिर सी बात है पूरा कितना होगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा इसके डायमीटर तक होगा. तो इसका मतलब कि ये भी कितना होगा? 14 होगा. और यहां से लेकर के यहां तक भी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, पूरा समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से आप देखेंगे, चूंकि ये स्क्वायर है, ये पहले ही कह रहा है कि ये स्क्वायर हैंडकरचीफ है, तो अगर ये दूरी आपने 14 14 14 तीन बार 14 को ऐड किया, हाँ, और फिर तो इधर भी उतना ही होगा. आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये रेडियस है 7, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? ये भी रेडियस, टोटल हो जाएगा 14, फिर से इधर से 14, फिर से इधर से 14, तो ये भी कितना हो जाएगा? 14 प्लस 14 प्लस 14, यानी कि 14 × 3 सेंटीमीटर. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक. तो ये आपको एक हैंडकरचीफ थी ABCD, जिसमें 9 सर्कुलर रीजन्स बनाए गए हैं. पूछ रहा है कि अब बचा हुआ एरिया, तो बचा हुआ एरिया क्या है? ये है. आप लोग खोजोगे सर शेडेड रीजन, अरे भाई शेडेड रीजन नहीं है, लेकिन उसने पूछा है रिमेनिंग एरिया बताओ, ये सारी रिमेनिंग एरियाज हैं, ठीक है. इसको बताने के लिए क्या करोगे? एरिया ऑफ पूरे स्क्वायर में से 9 सर्कल्स के एरिया को माइनस कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा. दिस इज सो इजी. सो गिवन गिवन ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 × 3 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, ठीक, सही है. 14 × 3 = 42. तो एरिया ऑफ, अच्छा, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, रेडियस ऑफ ईच सर्कल वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. हाँ, रेडियस ऑफ ईच सर्कल 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल. लेकिन कितने सर्कल्स? 9. चूंकि सारे के सारे 9 सर्कल्स आइडेंटिकल हैं, क्यों? क्योंकि सभी सर्कल्स का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर. सभी सर्कल्स का अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर, सबकी एरिया इक्वल होगी. तो अगर 9 एरियाज निकालनी है, तो मुझे 9 × एरिया ऑफ सर्कल करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा. व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड इंटू साइड, सो डेफिनेटली 42 × 42 माइनस 9 टाइम्स पाई आर स्क्वायर. चलो उसको सॉल्व करो, 42 42 जा. श्योर? आई एम नॉट नोइंग, मैं नहीं बताता. 4, चलिए 9 × 22 over 7 × 7 × 7 कैंसिल्स विद 17. फिर ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? इस बार गलत मत बताना, 1386.
पिछली वाले में तुम लोग ने मतलब तीन तीन आंसर दिए थे, दो ही का मल्टीप्लाई याद है, 28 × 86 याद आ रहा है? कौन कौन था उस दिन क्लास में? दो तीन लोग थे, ये भी था ना। माइनस करने पे कितना आया? 3। ठीक है, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक छोटा सा आसान क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन लगभग इसमें आसान है, बस आपको समझना है और उसे आराम से सॉल्व करना है बस आपको। क्वेश्चन नंबर 13। तो इट सेज इन फिगर 12.31 अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड, याद आ रहा है मैंने इंस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब्ड बताया था, हाँ सर्कल के अंदर स्क्राइब हुआ है, ठीक है। सो अ स्क्वायर ए ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू If OA is equal to 20 centimeter, find the area of shaded region in figure. Use pi is equal to 3.14. Okay. So what you have? You have a quadrant like this. ठीक है? You have a quadrant like this. Its name is O, P, B, Q. Q. इसके अंदर एक छोटा सा square बनाया हुआ है। अगर आपको ये स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा तो उसे बनाना तो पड़ेगा। ये है स्क्वायर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए बी सी, ठीक है। चलिए, क्या? अच्छा, ए, यस यस यस, गिवन अ स्क्वायर ऑफ साइड्स 20 सेंटीमीटर इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट अ स्क्वायर ऑफ साइड्स 20 सेंटीमीटर इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट। सो टू प्रूव या टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ठीक है क्या करेंगे, देखिए शेडेड रीजन है कहाँ पे, ये आपका एरिया शेडेड है, ये दूरी शेडेड है और यहाँ से दूरी शेडेड है। तो जाहिर सी बात है आपको साफ दिख रहा है कि इस क्वाड्रेंट में से क्या निकालना होगा आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होगा। आपको एरिया पता है ना किसे कहते हैं? किसी सर्कल के अंदर जितना रीजन होता है या किसी भी चीज के अंदर जितना रीजन होता है उसी को उसके एरिया कहते हैं, राइट। तो इसके अंदर जो रीजन है वो पूरा का पूरा है, तो अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालूंगा तो ये पूरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर से मुझे ये स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर के एरिया को निकालना है, तो बस वो मुझे शेडेड रीजन मिल के आ जाएगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि इस क्वाड्रेंट का रेडियस हमें नहीं पता है, क्योंकि वो 20 सेंटीमीटर है लेकिन ये रेडियस नहीं है। तो ये रेडियस हुआ ना, ये रेडियस हुआ, ये भी तो रेडियस होगा, राइट। ये रेडियस होगा कि नहीं, क्वाड्रेंट समझते हो ना? तो अगर ये रेडियस है तो हमें अगर ये मालूम चल जाए किसी तरीके से तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो अगर ये स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20 ही होगा। तो आप कई तरीकों से निकाल सकते हैं, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, आप जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 45 हो जाएगा ना। तो अगर ये 20 है, ये 20 है, तो अगर ये 45 है तो आपको पता है कि साइन 45 निकालने पर भी आपको आंसर मिल जाएगा, साइन 45 या कॉस 45 निकालने पर आपको आंसर मिल जाएगा, जानते हैं ना। ये 45 है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे? तो ये सब हम जानते हैं कि स्क्वायर से अगर ये आप दो ट्रायंगल को ज्वाइन करते हो तो वो बाइसेक्ट ही करता है, राइट। ये सब हम लोग पहले ही जानते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कि इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी, कॉस 45 वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है ना, इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए कितना है? 20 अपॉन ओ बी, सो ओ बी कितना हो जाएगा? 20√2 सेंटीमीटर। ये आसानी से निकल गया,
आप चाहें तो पाइथागोरस से लगा सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, इन ट्रायंगल दिस सेम ट्रायंगल। तो आप ये देखेंगे ओ ए कितना है 20 स्क्वायर, और ये देखेंगे 20 स्क्वायर किसके बराबर है, व्हाट हैपेंड, मुझसे पूछो। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 स्क्वायर, राइट। कोई जरूरी है 400 करूं मैं? अरे भाई दो बार दो चीज को प्लस किया है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर जब मुझे ओ बी स्क्वायर का ओ बी निकालना होगा तो वो हो जाएगा 2 इंटू 20 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर कौन बचेगा, सेम चीज आई ना, सेम चीज आई। चलिए तो दिस इंप्लाइज दैट यही रेडियस है 20√2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, क्या हुआ, किसी कुछ पूछना है क्या, बताओ क्या बात हो गई थी, एनीथिंग वांट टू आस्क, सो प्लीज पूछिए। चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वही सेम चीज़ आप जानते हैं कि ये क्वाड्रेंट भी एक तरीके का सेक्टर है, तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90/360 है ना, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, 90/360 करते हो इंटू पायर स्क्वायर, तो 91 × 94 / 360 तो 1/4 कर सकते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, जानते हैं साइड इंटू साइड होता है, या ओ ए का स्क्वायर कर लो, ओ ए इंटू ओ सी कर लो, जो भी। तो पाई कितना है, पाई कह रहा है कि 3.14 इस्तेमाल करना है, तो 3.14 इंटू 20√2 ओवर 4 माइनस 20 इंटू। चलिए सो यू हैव अ 15 क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है, आप देखिए यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो मैंने लिखी दी हैं, आप लिखिए इसको। सो गिवन अ क्वाड्रेंट विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर BC, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर एज ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, इज अ राइट ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हो गया। सो BC इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था ये 14√2 हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल R इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर, लिख लिया, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ओवर 4, यानी कि 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2 14 है, वो सही था, यहाँ गलती रख दी, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। रेडियस आपको कितना है क्वाड्रेंट का, 14 है, हाँ यस 14 × 14 7 × 7 = 14 और 14 × 28 28 × 56 11 × 5 616, राइट, क्या मैं सही हूँ,
राइट भाई, देखो फिर गलती हो गई क्या? अच्छा अपॉन फोर, अरे यार हाँ, चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, फोर से कट करो इसे, फोर वन जा फोर, फाइव सिक्स टू, फोर फाइव जा ट्वेंटी, फोर फोर जा सिक्सटीन, टोटल स्क्वायर, ठीक है इतना? क्यों भाई ठीक है? अब तो सही है हाँ, वो कोई बात नहीं, वो दो तीन बार इधर उधर हो गया ना, एक 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 पेज बनता है, वीडियो बंद होने से पेज बिगड़ गया। चल रहा है वीडियो? चलते रहना भाई, बंद मत होना। हाँ लिखो 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 लिखो, लिख रहे हो तो लिखो फटाफट। हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लो भाई, वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ का आर, यहाँ का आर और इसका आर, दोनों अलग अलग है, ये बात आप यहाँ नोटिस कर लीजिएगा भाई, दोनों जगह मैंने आर इस्तेमाल किया है तो दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, इस बार तो सही है। 2 कैंसल्स 22 एज 11, 7 कैंसल्स दिस 7, सो यू गेट 11 इंटू 7 इंटू 2, 7 टू जा 14, 11 जा 150, ये भी वही आ रहा है। अरे दोनों इक्वल आ गया, बढ़िया है, निकाल देते तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 14 इंटू 14, 14 वन जा 14, 14 सेवन जा एंड 14 सेवन जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, माइनस क्या करें, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, या तो वैसे लिखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आप इसी को निकाल दोगे आपको आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना निकला है अभी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हम देखे थे सेम आया था, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वो भी वही आया था, और उसमें से माइनस किया हमने किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल 98 को, इसको ओपन करोगे 154 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पे प्लस करेंगे ना, और ये माइनस माइनस जब प्लस तो ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। इजी है, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है जो एक तरीका कराया जा रहा है उसी तरीके से होगा, कई तरीकों से हम एक ही क्वेश्चन को इस चैप्टर के कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन मैं कराने तो नहीं जा रहा लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियाई ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच, सो यू हैव टू क्वाड्रेंट्स एंड दीज क्वाड्रेंट्स आर लाइक दिस, क्या हो गया, क्या कोई बोला है अभी? देखिए ये तो आपके पास क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं, इन दोनों क्वाड्रेंट्स की रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ये आपको फिगर में दिया भी हुआ है, इसमें आपको कहीं कोई पॉइंट नहीं दिया है तो रहने देते हैं, कोई पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों 90-90 है, ये कह रहा है यही आपका शेडेड रीजन है, इसी के एरिया आपको निकालनी है, ठीक। तो जिस किसी को लग रहा हो कि ये एक तरीके से स्क्वायर है वो सही भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आपको क्वाड्रेंट आपको कहा जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये कि ये जो आपके पास क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट की एरिया निकाल लीजिए पहले, और उस क्वाड्रेंट में से आप सोच के देखिए, अगर बीच में कोई लाइन पड़ी होती कुछ लाइक दिस, ऐसे एक लाइन पड़ी होती, तो अगर लाइन पड़ी होती तो अब ये एक ट्रायंगल बन गया ना, क्यों? तो अगर इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर मैं देखा जाए, ये हिस्सा नहीं है, लेट अस सपोज कुछ समय के लिए ये हिस्सा नहीं है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये जो शेडेड रीजन है वो क्या दिख रहा है, सेगमेंट, सेगमेंट दिख रहा है। तो अगर मैं इस पूरे क्वाड्रेंट में से केवल सेगमेंट के एरिया निकालूं, तो हमें ये मतलब ये निकल जाएगा इतना दूर, केवल इतना दूर निकलेगा, ये इतना दूर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसका दोगुना भी कर सकता हूँ, चाहे उस तरीके से भी, उधर से भी मैं आऊँगा तो यही चीज़ निकलेगी मेरे से। तो एक एक सेगमेंट, इधर वाले सेगमेंट को निकाल करके उसका दोगुना कर दीजिए, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। अब उसके निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपके पास रेडियस है कितना, 8। फॉर्मूला आप जानते हैं, थीटा ओवर 360। थीटा आपके पास कितना है, 90 है, तो थीटा ओवर 360 मतलब ये आपका पास क्वाड्रेंट का एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, और उसके में से क्या माइनस करोगे आप, ट्राइंगल के एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि 1/2, 8 × 8, करेक्ट। तो ये निकल गया आपको एक सेगमेंट के एरिया, इसका दोगुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ, आसान है ना, कर लेंगे। सो करके बताइए आंसर कितना है, पीछे से देख के मत बताइए, से करके बताइए। चलिए तो आज के लिए इतना ही खत्म, इसके बाद से एक्सरसाइज भी खत्म, अगले लेक्चर से हम लोग एरिया ऑफ सरफेस रीजन वॉल्यूम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।